हाय। हाय। ओ भाई हाय हाय करते करते ना हाय हुकू हो जाता भाई। जो ग्लव्स है ना भाई, एक स्पेशल वन मेरे दिल के बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा करीब। ये गर्ल्स लोग है ना बहुत ही ज्यादा रिएक्शन दे रहे थे। एक बार भीड़ चेक करो भाई साहब, यहाँ पे जो भीड़ है ना भाई बहुत ही ज्यादा भीड़ है। पूरा चेक करो, और भी लोग आ रहे हैं। मैं एक चीज चेक करवाना चाहता हूँ राणे को। देखो राणा पूरा लड़कियों को देख रहा है चश्मे के अंदर से। देखा 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 पकड़ रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लाइन अप चेक करो गाइस। बाप रे बाप, बाप रे बाप, खतरनाक भाई साहब। हमने देखो भाई साहब, भाई राइड करके ना बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा है। दोनों साइडों में जंगल तो भाई देखा ही है राइड करते हुए, लेकिन आज ना दोनों साइडों में भाई चाय पत्ती का बगान है। बाकी विक्रम भाई फुल पावर जा रहे हैं, और यहाँ से चांद भी करीबन करीबन 10 किलोमीटर तक है। यहाँ पे लड़कियों को हाय कर देता हूँ। हाय लड़कियों, हाय लड़कियां भी भाई फुल पावर है यहाँ पे। आगे भी है, हाय कर देता हूँ लड़कियों को। हाय लड़कियों, हाय। ओ भाई हाय हाय करते करते ना हाय हुकू हो जाता भाई। चलो हम भी थोड़ा ऐसा ऐसा देते हैं भाई। बाकी मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का लोकेशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ से ही स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो अंदर की तरफ ना भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हो भाई, बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ है। और दोनों साइडों में आप लोगों को पेड़ देखने के लिए मिल जाएगा, और बीच में से भाई एक रास्ता है जो कि बहुत ही सेक्सी लगता है देखने में। चलो भाई उस वाले लोकेशन पे लेके चलते हैं आप लोगों को फटाफट। यहाँ से भाई स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे देख रहे हो पेट्रोल जो बाहर में रखा हुआ है ना, जब तक आप लोगों को ज़रूरत ना पड़े आप लोग इस टाइप का पेट्रोल कभी भी यूज़ मत करना, सही है। देखो भाई अभी हम लोग ना फुल पावर पूरा जंगल की तरफ आ चुके हैं, और दोनों साइडों में ना भाई पूरा जंगल है। और पेड़ देख रहे हो भाई कितना लंबा लंबा पेड़ है। और ये जो रास्ता है ना, ये एक ही रास्ता है। इस साइड से भी रास्ता नहीं मिलेगा आपको, उस साइड से भी नहीं मिलेगा। मतलब कच्चा वाला रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पक्का वाला रास्ता बीच में से छोटा सा एक ही है। एक चीज आप लोगों ने पहले से ही नोटिस किया होगा जो कि मेरे हाथों में है, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को ऑनलाइन से या फिर ऑफलाइन से मैं खरीद लूंगा, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया था ऑनलाइन से, क्योंकि मैं ऑर्डर भी अगर कर देता ना रेडियम वाला तो आने पे मतलब 15 अगस्त के बाद आता। ये जो ग्लव्स है ना भाई, एक स्पेशल वन मेरे दिल के बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा करीब। ये किसी और ने नहीं, मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया। आप लोग बोलते हो ना मम्मी को कि ब्लॉग में लाओ आकाश भाई, मम्मी भी होनी चाहिए ब्लॉग में। मैं तो लाना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी ना थोड़ी शर्माती है, इसी वजह से मैं नहीं लाता हूँ। लेकिन मेरे कुछ कुछ ब्लॉग में है भाई मम्मी। और एक कमेंट भाई मैंने देखा था कि भाई लड़कियों के ऊपर इतना भाई खर्चा मत करो, तो मम्मी को भी लाओ ब्लॉग में, ऐसा कुछ कमेंट था शायद से, मुझे याद नहीं है अच्छे से। लेकिन वही चीज़ है भाई, मम्मी जो है ना वो दिल में है, वो बॉडी के रोम रोम में है, सही है। और लड़कियां जो है ना वो कभी भी मम्मी की जगह नहीं ले सकते, वही सीन है भाई, मम्मी मम्मी है भाई। ओहो विक्रम भाई, अजय 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 पिछवाड़ा अजय। भाई बात करते करते कुछ इस टाइप की लोकेशन पे आ चुके हैं। मैप पे भाई दिखा रहा था उस साइड पे ना बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर जो है ना हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज है अभी। ऐसा ग्लव्स मैं चाहता था भाई, एकदम जैकेट के साथ मैच करता हुआ ग्लव्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। इधर पे तो भाई पूरा धान का खेती होके रखा है। ग्लव्स भाई कैसा लग रहा है? ग्लव्स मुझे ना भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। थैंक यू मम्मी, और आई लव यू मम्मी। ये सब चीज़ ना भाई हमारे सिटी में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे धान का खेती खत्म हुआ, और बनाना का जो खेती है देख रहे हो भाई, बनाना का खेती हर जगह पर, बनाना का पेड़। हो भाई साहब कमाल का व्यू आ रहा है भाई, पूरा पहाड़ है भाई, पूरा सामने की तरफ पहाड़ी पहाड़ है, देख सकते हो भाई। वैसे तो भाई नॉर्थ ईस्ट के साइड ना पूरा पहाड़ी रहता है चारों तरफ। मैं इधर से मुंडी घुमा के भाई इधर को लाता हूँ, पूरा पहाड़ी पहाड़ रहता है। फाइनली फाइनली भाई लोग पहुँच चुके हम सोलो का वाटरफॉल।
यहाँ से 700 मीटर करीबन करीबन 1 किलोमीटर ही तक चलाना पड़ेगा, उसके बाद हमको मिल जाएगा सोलो का वाटरफॉल। वहाँ पे एंट्री फी मतलब पार्किंग फी वगैरह देना पड़ेगा। एंड देन हम यहाँ भी देख सकते हो भाई, पुचका मोमो इस टाइम पे भाई मिलता है क्या यहाँ पे ये सारा चीज़। ये गर्ल्स लोग है ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन दे रहे थे। A few moments later. भाई साहब, finally we are reach our destination. और destination जो है ना हमारे सामने है, वो चेक करो भाई कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे लॉन्डे वगैरह जो है ना फुल पावर नंगे हो रहे हैं। अभी मजा आएगा ना, नंगे होके पानी में उतरेंगे भाई। तो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है अपना, बाकी सिस्टम भाई तो जीत गए हैं। कैसा लगा कल सिस्टम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सिस्टम। इसको तो सिस्टम के अंडर में रहना पड़ेगा। सिस्टम हैंग कर दिया, सिस्टम हैंग कर दिया। बाकी फुल पावर हम लोगों ने ये सब ले लिया है, पानी में जाके खाएंगे। और यहाँ पे राइडिंग जैकेट वगैरह खोलते हैं भाई। फुल पावर बहुत ही ज्यादा भारी है, गाली दे रहा है भाई ये लौंडा। सिस्टम गाली दे रहा है, देख लो। यहाँ पे खोलते हैं अपना बदन का कपड़ा और देन फुल पावर जाते हैं वाटरफॉल के सामने और देखते हैं कितना ब्लॉक करते हैं। बाकी इंजॉय वगैरह फुल पावर करेंगे। कैमरा का कोई गार्ड वगैरह नहीं लाया हूँ ना, सो देट थोड़ा मुश्किल वगैरह हो जाएगा। बाकी फुल पावर जितना हो पाए दिखाने का चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। भाई अभी नहाना हो चुका है भाई। सोलह का जो कंडीशन है ना वो आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ। पर भी जो आपका भाई का सनग्लास है ना वो खो चुका है। लास्ट टाइम किया था उसका ग्लव्स, नया ग्लव्स लिया। अभी किया चश्मा भी लेने वाला है। अभी क्या कर सकते हैं, आ चुके हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। और यहाँ पे सोलह का जो सीन है भाई मैं चेक करवाता हूँ भाई। एक बार भीड़ चेक करो भाई साहब। हम लोग अभी नहा के धो के सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने नहाया, टाइमलेस वगैरह आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। यहाँ पे जो भीड़ है ना भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पूरा चेक करो, और भी लोग आ रहे, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है 15 अगस्त के दिन सब लोग वाटरफॉल पे आए हैं। बाकी यहाँ पे सीन चेक करो भाई, फुल पावर सीन है। और ऊपर अगर देखना चाहते हो भाई बहुत ही ज़्यादा क्राउड है उस तरफ, तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। बाकी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं भाई। ये तो ऐसे ही मोटा हाथी, ये देखो, ये खरीदा था मैंने लेकिन लाया नहीं, गर्मी है। सो भाई लास्ट टाइम देख लो वाटरफॉल। ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और अभी जाने का मूड भी नहीं है। चश्मा मेरा खो चुका है, मूड ख़राब हो चुका है। भाई फटाफट जाएंगे अपना काली को स्टार्ट करेंगे और देन फुल पावर निकलेंगे और कुछ खाएंगे। शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग क्या करना है भैया? अरे बाप रे बाप। और भाई एक चीज़ चेक करवाना चाहता हूँ राणे को। देखो राणा पूरा लड़कियों को देख रहा है चश्मे के अंदर से। देखा पकड़ रहा। वाह क्या सीन है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो भाई साहब। मजा तो आया। ये है भाई, मैं कैमरे पे दिखा नहीं सकता क्या क्या कर रही है भाई लड़की। जम फाइनली 16 से निकल रहे अभी। और यहाँ पे लाइनअप चेक करो गाइस, इतना ज़्यादा लाइनअप है। यहाँ से धीरे धीरे उतरना पड़ेगा। भाई साहब उतर गए। लाइन अप चेक करो ना भाई साहब, समझ सकते हो अंदर कितना लोग है। यहाँ पे अगर इतना बाइक है ना, एक बाइक में अगर दो जन भी आए होंगे कितना ज़्यादा भीड़ हुआ होगा, समझ ही रहे हो। अंदर मतलब छोटा सा जगह है, मिनिमम तो भाई 500-600 लोग होंगे अंदर अभी। और इस तरफ तो भाई बाइक का लाइनअप चेक कर पा रहे हो और उस तरफ ना भाई फोर व्हीलर और साथ ही में बाइक्स वगैरह भी है। यहाँ से हमने पुचका वगैरह खा लिया, बाकी निकल रहे यहाँ से फुल पावर। मतलब आज चांडो भी सुना है कि बंद है, इसी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है। बाप रे बाप खतरनाक भाई साहब, चेक करो भाई खतरनाक। मेरा तो भाई आँख माँख में पसीना घुस के रखा है पूरा।
निकलते हैं भाई थोड़ा। इस साइड पे अगर जाओगे ना और एक आप लोगों को वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएगा, और एक प्यारा सा नदी है उस तरफ से वो देखने के लिए मिल जाएगा। आई डोंट नो भाई, आज तो शायद से हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ से ना भाई बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। इसी वजह से भाई यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग खाने के लिए कुछ। बाकी इस साइड पर अगर जाओगे ना आप लोगों को और एक जगह मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी फुल पावर भाई अपना एल्विश भाई, बिग बॉस OTT सीजन 2 जीत चुका है। फुल सिस्टम भाई, फुल सिस्टम भाई को मैंने फुल पावर सपोर्ट किया था, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लाइफ में पहली बार एल्विश भाई के लिए भाई मैंने बिग बॉस देखा। तो अभी भाई ध्यान ध्यान से चलाएंगे और यहाँ से कहीं पर जाएंगे खाने के लिए, और वहाँ पर जाके भाई ब्लॉग एंड करेंगे। तो यहाँ पे और बात करने का जोश नहीं है क्योंकि पूरा बॉडी जो है ना टायर्ड हो चुका है, साथ में मेरा चश्मा भी खो चुका है। भाई मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ भाई, देख रहे हो कितने लौंडे भाई जा रहे हैं, कितने लौंडे जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इतना भीड़ होके रखा है और भी लोग सारे के सारे जा रहे हैं भाई, क्या ही होगा भाई वहाँ पे, तो भाई बवाल हो जाएगा बवाल। व्यू देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा मस्त है व्यू। बाकी आप लोग थोड़ा रोडों का मज़ा लो। यहाँ पे देख रहे हो व्यू है ना, सामने देखो भाई साहब पूरा लग चुका है। और यहाँ पे हम लोग गाना सुन रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई, 15 मिनट से यहाँ भी फंसे हुए, बहुत ही ज्यादा जाम है। Much later. बहुत ही ज्यादा भूख लगा था तो फाइनली आ चुका है खाना। तो चेक करो गाइस, नान यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है, और ये मसाला कुछ है चिकन, और ये चिकन चिली, एंड देन फ्राइड राइस है। और विक्रम भाई तो खा ही रहे, बाकी फुल पावर यहाँ से खाते हैं एंड देन निकलते हैं और एंड करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग। सही ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई फाइनली हम लोगों ने खाना पीना कर लिया, पेट पूजा हो गया भाई। ऐसे भी फुल पावर घर की तरफ निकलेंगे। बाकी राइड पे मैंने मम्मी ने जैसे मुझे गिफ्ट दिया, मम्मी के लिए एक छोटा सा चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ भाई। इंडिपेंडेंस डे तो ख़त्म हो चुका है लेकिन हमारे लिए तो हर दिन ही इंडिपेंडेंस डे है। सही है, तो ये गिफ्ट मम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ, जाके पहना दूंगा, लेकिन ब्लॉग तो शूट नहीं करूँगा, इन फोटो डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और यहाँ से भाई शायद से काला आ रहा हो पूरा, नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो एंड करते हैं भाई इस ब्लॉग को। अगर आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, क्या सेल्फी चाहिए? फैन हो? फैन है गाइज भाई। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, और खुशियाँ बांटते रहो डियर्स।